प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुरक्षा में चूक का मामला और न्यायिक जांच की मांग। न्यायिक जांच की मांग की गई, याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने याचिका दाखिल की है और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक का मामला है इसको लेकर के न्यायिक जांच की मांग की है। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पूरे मामले की जांच न्यायिक जांच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। मकसूद का रुख करता हूं, इस वक्त अयोध्या में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार संतों में भी नाराजगी है मकसूद, बड़ी बात यह है कि इस देश की जनता नाराज है, उसमें संत भी हैं, कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा, शुक्रिया कहना आपने मुख्यमंत्री को, वापस जिंदा लौटाया। बिल्कुल, मैं इस वक्त रामनगरी अयोध्या में अंजीत मौजूद हूं और यही कहना है कि दरअसल प्रधानमंत्री जो है वो देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, किसी संगठन का नहीं होता है। मेरे साथ इस वक्त जगतगुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज हैं, मां मंडलेश्वर गौरवदास जी भी हैं और आचार्य उद्धव शरण मां जी भी हैं। लेकिन पहले मैं बात करूंगा जगतगुरु से। जगतगुरु, देशभर में नाराजगी है कल जो भी फिरोजपुर में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया उसे लेकर। निश्चित रूप से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि इस देश में सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि फिर पूरा देश किस प्रकार से सुरक्षित है। आप किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्तिगत तौर पर तो आप दुश्मनी निकाल सकते हैं लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ ऐसी घटना अत्यंत निंदनीय है और ये देश के लिए एक प्रकार का धब्बा लगाने का कार्य लोगों ने किया है जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है कि जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो समाज का है, जो देश का है और एक प्रथम नागरिक नहीं द्वितीय नागरिक के रूप में स्थापित होता है, जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसकी सुरक्षा 20 मिनट के लिए रोक ली जाती है तो अगर इनको पूर्ण रूपेण भारत की सत्ता मिल जाए तो ये भारत की जनता के साथ क्या करेंगे, ये पूरे देश के लिए आज एक यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हुआ है और ये विचारणीय प्रश्न। जिस तरह से कांग्रेस इस पर रिएक्ट कर रही है, जिस तरह के ट्वीट और सोशल मीडिया पर वो बात कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सीधी बात है कि एक तो चोरी और दूसरा सीना चोरी, एक ये पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है कि एक तो आपने प्रधानमंत्री के साथ ऐसा दुराग्रह करने का कार्य किया, 20 मिनट तक उनकी रैली रोककर उनको मारने की, जान से मारने की आपने कोशिश की जो नाकाम रही है, और उसके बाद अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ठीक वही बात है कि अगर जेल में किसी चोर को चले मकसूद।